नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। प्रिय वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले, अक्टूबर माह का राशिफल लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ, जिसमें मैं ग्रहों के गोचर के आधार पर बताऊंगा कि पूरा माह आपका किस प्रकार से जीवन व्यतीत होगा, क्या उपाय किस समय कर लेना बेहतर रहेगा, किस प्रकार की सावधानियां रखनी आपके लिए जरूरी है। राशिफल बताने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यह दे दूं कि यह राशिफल जो है यह लग्न पे आधारित है, यानी जिनका लग्न में दो नंबर बैठा है वो वृषभ लग्न हुआ। अतः अगर आपकी जन्म पत्रिका है तो वृषभ लग्न से ही कुंडली देखें, और अगर आपकी जन्म पत्रिका नहीं है तो आप वृषभ राशि से अपनी पत्रिका का यह राशिफल देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ता हूं वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले अक्टूबर माह का संपूर्ण राशिफल की ओर। सबसे पहला देखिए वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले। लग्नेश शुक्र जो है चौथे हाउस में बैठ करके मालवीय की उत्पत्ति कर रहे हैं, जो यह पूरा माह आपको मान सम्मान और इज्जत की प्राप्ति करवाएगा। अब यहां पे कर्म क्षेत्र का स्वामी शनि भाग्य स्थान में सस्य योग की उत्पत्ति करके बैठा है, तो जो व्यक्ति लोहा से रिलेटेड, चमड़ा से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में, पेट्रोलियम पदार्थ से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, ठेकेदारी से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, क्योंकि शुक्र बहुत अच्छे पोजिशन पे है, तो मीडिया से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में या फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, उनके लिए विशेष लाभकारी और राजकारी योग रहेगा अक्टूबर माह। इसके अलावा सूर्य पंचम हाउस में बैठे, पंचम हाउस के सूर्य कारक भी होते हैं, तो जो सरकारी नौकरी में जिनकी आय स्थिरताएं चल रही थी, परेशानियां चल रही थी, वह यह माह बहुत शुभ और लाभकारी रहेगा, क्योंकि सूर्य जो है मेडिकल से रिलेटेड, कपड़े से रिलेटेड, दवाइयों से रिलेटेड कर्म क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है, साथ में पॉलिटिक्स और राज्य सत्ता का भी मालिक है, तो इन सभी क्षेत्रों में जो है उनके लिए भी यह माह बहुत शुभ रहेगा वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले। इसके अलावा मैं बात मंगल की करना चाहूं तो मंगल अपनी राशि का है, वह स्थान पे, तो जो व्यक्ति क्रिकेट के क्षेत्र में है, शेयर लॉटरी सट्टा से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, आपके लिए बहुत विशेष और शुभकारी फल रहेगा। अब यहां पे कुछ चीजें जो सबसे महत्वपूर्ण है वह भी समझनी चाहिए, जो ऑलरेडी बिजनेस के क्षेत्र में है, केतु बैठे वहां पर पार्टनरशिपिंग के स्थान पर, मंगल की राशि वृश्चिक में, और ये 23 सितंबर से वृश्चिक में आए हैं और 18 महीने तक रहेंगे, तो पार्टनरशिप व्यापार को ये बढ़ाएगा, सक्सेस करवाएगा, लेकिन केतु का लग्न पे दृष्टि है तो आपको क्रोध पे नियंत्रण करके रखना है, और साथ में जो है अपने आप को सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहेगा कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनाना है वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले अक्टूबर माह में। धन की अगर मैं बात करना चाहूं तो धन का मालिक बृहस्पति देखिए स्वयं जो है धनु राशि अपनी स्वयं की राशि में बैठे हुए बहुत हेल्दी पोजीशन पे हैं, आय का मालिक, और धन का मालिक बुध जो है वह भी छठे घर में अपने कारक स्थान में बैठा हुआ है, यानी विदेशों से रिलेटेड कर्म क्षेत्र वालों के लिए धन की कमी नहीं होगी। इसमें अचानक किए गए कर्म क्षेत्र से भी आपको धन की प्राप्ति होगी, मित्रों से भी धन की प्राप्ति होगी, रिश्तेदारों से भी धन की प्राप्ति होगी, व्यापार में कुछ व्यापार फंसे हुए थे या कहीं पैसा फंसा हुआ था वह भी पैसा आपके प्राप्त होंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात की मंगल जो है अपनी राशि का है, तो जो बहुत बड़े फंड चाह रहे थे, लोन चाह रहे थे किसी कंपनी या फैक्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए, तो सभी क्षेत्रों के लिए भी बहुत शुभ रहेगा। अब यहां पर कर्म क्षेत्र के लॉर्ड शनि भाग्य स्थान में बैठकर सचयोग बनाए हैं, तो सभी क्षेत्रों के लिए अक्टूबर माह में वृषभ लग्न वृषभ राशि वाले समय बहुत ही शुभ रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन और प्रेम की बात अगर मैं करना चाहूं अक्टूबर माह में वृषभ लग्न वाले, तो देखिए दाम्पत्य जीवन स्थान में केतु निश्चित तौर पे विराजमान है, लेकिन आप यह भी देखिए कि अष्टम हाउस वृश्चिक राशि यानी आठवीं राशि में केतु विराजमान है, जो उच्च से रिलेटेड फल देता है, लेकिन यहां अष्टमेश सप्तमेश के अधिपति मंगल अपनी राशि का है, तो यह अपनी राशि का है तो यह दाम्पत्य जीवन को बहुत बढ़िया बनाएगा, वैवाहिक रिश्ते को यह महीना बहुत अच्छा रखेगा, साथ में बुध जो है वह विराजमान छठे घर में है, तो प्रेम संबंध के भी रिश्ते अच्छे लगेंगे रहेंगे, नए नए लोगों से संपर्क भी होंगे जिनसे आप अपने जीवन की शुरुआत वैवाहिक रूप जीवन के रूप में अच्छे से कर सकते हैं, लव रिलेशन की स्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी। अब यहां पर देखिए क्या है, बुध जो है 14 अक्टूबर से वक्र अवस्था में चले जाएंगे,
तो आपको 14 अक्टूबर के बाद लव रिलेशन को बचाना है। 14 अक्टूबर का लव रिलेशन की स्थितियां थोड़ी खराब होगी और 16 से अस्त भी हो जाएंगे बुध। तो 14 तारीख के बाद विवाह संबंध में हो सकता है कि परेशानियां स्थापित हो, और ऑलरेडी जिनका प्रेम संबंध चल रहा है तो थोड़ी सी परेशानियां आ सकती है। तो आपको यह काम करना होगा कि 14 अक्टूबर का तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। अब यहां पे देखिए, संपत्ति हाउस में शुक्र विराजमान है, तो जो व्यक्ति प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं यह महीना उनके लिए बहुत शुभ और लाभकारी है। माता और पिता से विशेष धन की प्राप्ति होगी, और साथ में जो है जिनका एग्रीमेंट फंसा हुआ था या संपत्ति ले नहीं पा रहे थे, पैसे फंड की दिक्कत हो रही थी, तो इस महीने वह समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब यहां पे देखिए क्या है कि संतान और शिक्षा की बात अगर करना चाहो, शुक्र जो है सूर्य की राशि में है और शुक्र जो है 23 अक्टूबर से नीच के हो जाएंगे, और 17 अक्टूबर से सूर्य जो है वह भी नीच के हो जाएंगे। फिर भी यहां पे शुक्र रहेंगे बुध की राशि में, बुध रहेंगे शुक्र की राशि में, तो राशि परिवर्तन राजयोग रहेगा, तो पूरा महीना संतान के लिए भी ठीक है, शिक्षा से रिलेटेड भी आपका बहुत बढ़िया रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कर्ज की अगर मैं बात करूं तो शुक्र जो है जब नीच के होंगे और बुध तुला राशि में ऑलरेडी है, तो यह राशि परिवर्तन राजयोग से यह महीने कर्ज की समाप्ति होगी, शत्रु से रक्षा होगा, और आपके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंट रहेगा कि लाइफ में आप कुछ कर सकते हैं। वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले, अक्टूबर माह की बात करता हूं। इसके अलावा स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो बृहस्पति आपको ऑलरेडी इस महीने हेल्थ को बचा करके रखेगा, और शनि जो है स्वास्थ्य को भी आपका ठीक रखेगा, क्योंकि आय और व्यय का मालिक बहुत मजबूत पोजिशन पे है मंगल और बृहस्पति, तो आपको विदेश जाने के योग बनेंगे, और साथ में जो है नए नौकरी की भी अपॉर्चुनिटी बनेंगे। यानी यह महीना वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले बहुत ही शुभ और लाभकारी है। अब पूरा महीना आपको करना क्या चाहिए, बहुत ही आसान उपाय बताता हूं। पूरा महीना आप गणेश चालीसा का पाठ करिए, और दुर्गा जी को पूरे महीना जो है आप कुछ भी प्रसाद के रूप में भोग लगा दीजिए। केतु के प्रभाव समाप्त होंगे, आप जो है मछलियों को दाना भी दीजिएगा वृषभ लग्न वृषभ राशि वाले, तो अक्टूबर माह का आपका समय बहुत ही बढ़िया व्यतीत होगा। यह प्रतीत हो चुका है वृषभ लग्न वृषभ राशि वाले की अक्टूबर माह का राशिफल आपका बहुत ही शुभ और लाभकारी है। अतः मैं यह अनुरोध करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और अच्छी ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, भगवान शिव की कृपा पर हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।